सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005 अफोर्डेबल फीस स्पेशियस क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड लैब्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना से आजमीन हज की मुकद्दस सफर हज पर रवानगी का सिलसिला जारी। आज हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पांचवें, छठवें और सातवें बैच को झंडी दिखाकर किया रवाना। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शाली बंडा डिवीजन का किया पैदल दौरा। 2,57,75,000 रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। दक्कन के मारूफ सूफी आस्थाना दरगाह हजरत यूसुफियन की कमान के तामीरी कामों का संगे बुनियाद। वजीर दाखिला महमूद अली बकबोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और दीगर ने तकरीब में की शिरकत। कोविड की वजह से 3 साल बाद मिरक के मौके पर दमा के मरीजों में मछली प्रसाद की तकसीम। वजीर तलसानी ने किया दवा तकसीम प्रोग्राम का आगाज। बत्तीनी खानदान का अदा किया शुक्रिया। यौम तासीस तेलंगाना की 10 साल तकरीबात। आज रियासत भर में बड़े पैमाने पर मनाया गया यौम बहबूद। बुजरा अरकान असेंबली और दीगर कायदीन ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत की योम तासीस की 10 साल तकरीबात रियासत भर में जोश व खरोश से जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने हिंदुस्तान की सबसे नई रियासत की तश्कील के बाद अंदरून 9 सालों में हासिल की गई तरक्की पर मबनी वीडियोज़ तेलुगु और अंग्रेजी जबान में जारी किए हैं। इन वीडियोज़ में ये जाहिर किया जा रहा है कि किस तरह तेलंगाना रियासत ने एक सदी में हासिल होने वाली तरक्की को एक दहाई में हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 6 दहाइयों की अवामी तहरीक के नतीजे में रियासत बनने वाली तेलंगाना आज हर मैदान में तरक्की की सिमत गामजन है। फलाह बहबूद के समरात हर तबके की अवाम में तकसीम करते हुए तेलंगाना आज तरक्की में सर फहरिस्त है। सीएम केसीआर का तसव्वुर किया गया तेलंगाना आज लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फरहम करते हुए मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल बन गया है। असाधारण सुसाध्यं चेस्तू कొత్త చరిత్రలను లిఖిస్తున్నది తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ సారథ్యంలో తెలంగాణ ప్రగతి ప్రస్థానం 10వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టి ఈ రోజు అనేక రంగాల్లో దేశానికి ఒక దిక్సూచిగా మారింది। దేశంలోనే తెలంగాణ ఐటికి పవర్ హౌస్ గా మారి పెట్టుబడులకు స్వర్గ ధామమైంది। హైదరాబాద్ సిటీని అంతర్జాతీయ హంగులతో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను డెవలప్ చేశారు। దీంతో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలోకి విశ్వనగరం చేరిపోయింది। స్టార్టప్ కంపెనీలకు ప్రోత్సాహం అందించడానికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇంక్యుబేటర్ టీ హబ్ పేరుతో ప్రవేశపెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం। ఇన్నోవేషన్ ఎకోసిస్టమ్ లో భాగంగా బీ హబ్, టీ వర్డ్స్, టీఎస్ఐసి, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వంటి మరెన్నో నవీన విభాగాలకు జీవం పోసి అత్యాధునిక టెక్నాలజీల్లో మంచి నైపుణ్యం ఉన్న వారికి హైదరాబాద్ ఐటీ కంపెనీల్లో పుష్కలమైన అవకాశాలు కల్పిస్తున్నది। విదేశీ పర్యటనలు చేసి ప్రపంచ వేదికలపై హైదరాబాద్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే పనిలో కేటీఆర్ సక్సెస్ సాధించారు। ఇప్పుడు సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞానానికి దేశంలో వినిపించే ప్రముఖ పేరు తెలంగాణది అయింది। రాష్ట్రం ఏర్పడిన సమయంలో 3 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలు ఉండేవి, ఇప్పుడు 9 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలు అయ్యాయి। దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐటీ ఉద్యోగుల సంఖ్యలో 44% తెలంగాణ నుంచే కల్పించబడ్డాయి। ఐటీ కార్యకలాపాల కోసం వినియోగించే ఆఫీస్ స్పేస్ల లీజింగ్లో
దేశంలోనే నంబర్ వన్ గా నిలిచింది తెలంగాణ. టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఎంత విస్తరించినా అది సామాన్య మానవునికి చేరువై ఉపయోగపడకపోతే దాని ఫలితం శూన్యం అని నమ్మే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఐటీ విస్తరణకు ఆదేశాలిచ్చారు. ఐటీ కేవలం మాదాపూర్ గచ్చిబౌలి ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకూడదని నగరం నలుదిక్కులా ఐటీ విస్తరించి తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుదిక్కులా అభివృద్ధి జరగాలని గ్రిడ్ పాలసీకి శ్రీకారం చుట్టారు. దీంతో ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాల ముఖ చిత్రం, తెలంగాణ రాష్ట్ర రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. సమర్థ నాయకత్వం ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోతుంది తెలంగాణ. शहर हैदराबाद के नामपली में वाक़ हज हाउस से आज आज़मीन हज के पाँचवें, छठवें और सातवें बैच की मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवानगी अमल में आई. बता दें कि शमशाबाद एयरपोर्ट से अब तक 7 फ्लाइट्स के ज़रिए 1050 आज़मीन सफ़र हज पर जिद्दा पहुंच चुके हैं. आज हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर ने आज़मीन हज की बसों को तलबिया की गूंज में झंडे दिखाकर रवाना किया. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर पार्लिमानी हलके हैदराबाद में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है. आज सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शालीवंडा डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए 2,57,75,000 रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया. इस दौरान अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस का वालहाना इस्तकबाल किया. इस मौके पर अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान, MLC मिर्ज़ा अहमद बेग, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ़र, हुसैनी पाशा, सोहेल खादरी, मोहम्मद सलीम, राज मोहन, मोहम्मद मुबीन, मुख्तदर बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे. तेलंगाना के वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा सूफी आस्ताना दरगाह हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की कमान के तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखा, जिस पर 20,00,000 रुपए का खर्च आएगा. इस मौके पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, वक्फ बोर्ड रुकन अबुल फत्ता बंदगी बादशाह खादरी और दीगर मौजज़ीन व अहदेदार मौजूद थे. इससे कबल वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने मज़कूरा अहदेदारान के हमरा दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश करते हुए दुआ की. नंबर वन स्टेट तेलंगाना स्टेट है. हर वेलफेयर स्कीम आज चूंकि वेलफेयर डे मनाया जा रहा है, जिसमें माइनॉरिटी के तरक्की के बारे में भी रविंद्र भारती में प्रोग्राम है, SC ST BC और माइनॉरिटी के. डेफिनेट आज माइनॉरिटी पहले से बहुत अच्छे खुशहाल है. लोग बड़े बड़े बातें करते हैं. साबिका में जो लोगों ने हुकूमत की, कभी भी मुसलमानों की तरक्की और उनके एजुकेशन के बारे में तवज्जो नहीं दी. अगर कोई तवज्जो देने वाले लीडर है वो KCR साहब. उन्होंने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जबकि 65 साल में कांग्रेस ने 47 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की. सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2,000 बच्चे पढ़ा करते थे. आज 1,40,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं. अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सारे मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम से नवाजे, खुशहाल जिंदगी नवाजे, मौका फरमाए, रोजगार से लगाए और हमेशा अमन और भाईचारगी में मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम रहे. और औलिया अल्लाह के मज़ारों पर वही आते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं, औलिया अल्लाह को चाहते हैं. यकीनन एक बड़ी हैदराबाद की बहुत बड़ी मज़ार शरीफ है. यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जो गोलकुंडा खिला फतह करने में औरंगजेब की मदद की थी. आज हम यही दुआ करते हैं यहाँ के मुसलमानों की, हिंदू भाइयों की, सबकी खुशहाली के लिए आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए. नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में DRS से ज्यादा BRS पार्टी बड़ी मेजोरिटी से जीते. हमारे जो MLAs है, यकीनन हम मीडिया के भाइयों को भी बताना चाहते हैं, आने वाले वक्त में 100 से ज्यादा हमारे MLA जीतेंगे और फिर से हमारी हुकूमत बनेगी और अच्छी तरीके से इस तेलंगाना को तरक्की दिलाएंगे. और खासतौर से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 20,00,000 के फंड से आपने कमान का आज फाउंडेशन रखा. यकीनन हमारे लिए फख्र की बात है. जरूर इस दरगाह पर ज्यारत करने वालों को मैं गुजारिश भी करूंगा, जो जायरीन आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलत पहुंचाने की और कोशिश की जाए. बहुत अच्छी तरीके से सहूलत पहुंचाई जा रही है. और जहां तक पुलिस का बंदोबस्त है, हमारी पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी. अभी मैं इंस्पेक्टर से कहा हूं, DCP को बुला के भी बोल दूंगा, दरगाह जब भी जुमेरात के दिन या जब जब यहां पर रश रहता है
पुलिस का मुकम्मल बंदोबस्त रहेगा और वो आपके साथ काम करते रहेंगे। यहाँ के इंतजाम में हम अच्छी तरीके से ताउन करेंगे। कोविड 19 की वजह से 3 साल बाद मेरठ के मौके पर दमे के मरीजों को पत्तिनी खानदान की जानिब से आज मछली प्रसाद यानी मछली में दवा पिलाई गई। जुमे को रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के नामपली में वाक़ नुमाइश मैदान में मछली प्रसाद यानी मछली में दवा की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया। बता दें कि मेरठ के मौके पर दमा के मरीजों को मछली में दवा पिलाने की रिवायत बन चुकी है। सालों से बत्तीनी खानदान ये काम अंजाम देता आ रहा है। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मछली प्रसाद के लिए आने वाले हर शख्स को मछली की दवा दी जाएगी। उन्होंने मछली की दवाई तकसीम करने पर बत्तीनी खानदान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मछली प्रसाद के पुरमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए हैं ताकि दीगर रियासतों से आने वाले लाखों लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। అవన్నీ మత్స్యకారులకు వేసినాం. మా మత్స్యకారులకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా కానీ ఈరోజు చేప తినే వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు కూడా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ నాలుగు రాల్చుంటే వరంగల్ కానీ ఖమ్మం గరిబీలో నాలుగు రాల్చుంటే చిన్న చిన్న జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏర్పాట్లు ఉన్నాయో అక్కడ 30 స్టాల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఫిటనెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అవి నిరంతరంగా ప్రతి సంవత్సరం మిరుగం సందర్భంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని మీకేమైనా కావాలి మీకేంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్లు ఎంతగానో ఉంటాయి అని అందరికీ అవకాశాలు కల్పించడానికి మాకు పూర్తి ప్రయత్నం. ఎన్ని లక్షలు వచ్చినా కానీ చేసేటువంటి సత్తా చేపట్టుకునేటువంటి మొదలు ముందు జాగ్రత్తలుగా ఒక నెల నుంచి మరి ప్రిపరేటరీ వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ కొన్ని మీటింగ్స్ జరిగినాయి. ఆ మీటింగ్లో అధికారులతో కొన్ని సంబంధాలు సమస్యలు అందరి సహకారం తీసుకొని ఈ ఘనమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాం. कारवां रुकन असेंबली कौसर मोहियुद्दीन ने हकीमपेट पार्टी ऑफिस में शेखपेट मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 40 चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस पार्टी के सीनियर लीडर व सरगर्म कारकुनान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में जारी 10 साल योम तासीस तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज जुमे को रियासत भर में फलाही बहबूद स्कीमात पर अमलावारी का जश्न संक्षेमा दिवस यानी वेलफेयर डे योम बहबूद शान शौकत के साथ मनाया गया। इस जिमन में आरमूर में मुनक़दा तकरीब में PUC चेयरमैन आरमूर रुकन असम्बली VBRS निज़ामाबाद ज़िला सदर AG1 रेड्डी ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने रियासत में जारी फलाही स्कीमात की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और अवाम को इन स्कीमात से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। ఆర్మూర్ మండలాధ్యక్షులు ఆలూరు సీని గారికి, చక్రు గారికి, కౌన్సిలర్ నర్సారెడ్డి గారికి, పట్టణాధ్యక్షులు మన నరేందర్ గారికి, భూమన్న గారికి వేదిక మీదటువంటి మా చెల్లెలందరికీ, అదేవిధంగా వేదిక పోయినటువంటి పండిత్ పవన్ గారికి, పండిత్ ప్రేమ్ గారికి, అబ్దుల్ రహమాన్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, ఎంపీడో గారికి, భారతి భూషణ్ గారికి, గారికి, హార్దిక్ గారికి, మధు గారికి, ఇంతియాజ్ గారికి, అబ్దుల్ రహమాన్ గారికి, వేదికపై ప్రజాప్రతినిధులకు, సర్పంచులకు, సాయన్న గారికి, రవి గారికి, అంజగౌడ్ గారికి, ప్రకాష్ గారికి, ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి, కళ్యాణ్ మోహన్ గారికి, వైసీపీ సుధాకర్ గారికి, పింపరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా గగ్గుపల్లి సర్పంచ్ ప్రదీప్ గారికి, నయానంద్ గారికి, రాంపూర్ సర్పంచ్ PSA చైర్మన్ హేమంత్ రెడ్డి గారికి, రంజిత్ గారికి, ఎన్ని చెప్పాలి నాయన, చెప్తే రామాయణం వింటే మహాభారతం, చెప్పకపోతున్నాం మావాళ్ళు నారాయణ.
कुड़ंगल हलके के बुमरासपेट मंडल में वेलफेयर डे बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रुकने असेंबली पटना नरेंद्र रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक से दौलताबाद बुमरासपेट कुड़ंगल के इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। మంత్రి చూస్తే ఏ గ్రామంలో ఒక్కొక్క మంత్రులు తిరుగుతా ఉన్నాడు. ప్రజల మధ్య ఉండాలి, ప్రజలకు ఖర్చు పెట్టాలి, ప్రజలకు హెల్ప్ గ్రామాలలో ఆదుకోవాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. కానీ వేరే ప్రభుత్వం ఉద్దేశం అట్లా కాదు. ఇంతకుముందు ముఖ్యమంత్రులు చేసారు, 60 సంవత్సరాలు చేసింది, 45 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ చేసింది, 15 సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం చేసింది. కానీ అప్పుడే కళ్యాణ లక్ష్మి అప్పుడు సాధువు గారికి ఎందుకు వెళ్ళారు, మరి 4 గంటల కరెంట్ ఎందుకు వెళ్ళారు, ఒట్టు కొనుగోలు కొనుగోలు ఊళ్ళ సంటలు ఎందుకు పెట్టలేదు, అదంతా మీ గ్రామాలు అడగాలి కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు. మరి మీరెందుకు చేయలేరు అప్పుడు 200? మరి మీరు రైతు పని ఎందుకు చేయరు, ఎక్కడ 5 వేలు అప్పుడు ఎందుకు చేయరు? మేము ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు కదా, మరి మీకు ఎందుకు అప్పుడు సోజు రాలేదా, మీకు అప్పుడు ఆలోచన రాలేదా అని నిలదీయాలి. గ్రామాలకు వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ వచ్చినా బీజేపీలు వచ్చినా వాళ్ళని నిలదీయాలి. వాళ్ళు చేసే చేత కాదు, చెయ్యే దమ్ము లేదు వాళ్ళకు, వారు చేసేటటువంటి ఆలోచన లేదు వాళ్ళకు. जगत्याल रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज तीन खनी इलाके में वाक़ उर्दू घर इमारत की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने असेंबली ने बताया कि 20 लाख रुपए की लागत से ये इमारत तामीर की जा रही है। उन्होंने पहली मंजिल पर भी मजीद 20 लाख रुपए की लागत से हज हाउस तामीर करने का तयखुन दिया। इस मौके पर संजय कुमार ने जगत्याल के 24 मसाजिद को मंजूर फी कस 4 लाख रुपये की प्रोसीडिंग कॉपीज सुदूर के हवाले की। 20 में से कर रहा है, हम देखे उसमें इसलिए 1000 ग्राम बोले थे 100 करोड़ रुपए का बराबर तो ऐसा काम यहाँ हो रहे। और स्कूल से भी देखे, अच्छा देखो क्या आपने फोटो प्राइमरी स्कूल में बेंचेस वो सब बेहतरीन दे दिए, रोड यहाँ भी काम चल रहे, थोड़ा आप देख रहे बहुत सा काम चल रहे। आज मैं बोला हूँ, आज वेलफेयर डे है, मैं खुशी से बोल रहा हूँ, 9 साल पूरा होके 10वां साल में अपन गिरे, 10वां साल में चल रहे, ये दशाब्दी उत्सवाल संग्रहाल खुशियां बना रहे, 10वां साल का खुशियां बना रहे, ये खुशियां बनाने का मजा है। थोड़े लोग बोल रहे क्यों बना रहे, बोल रहे क्यों बना रहे, बोल रहे तो जगत्याल कॉन्स्टिट्यूंसी में 1440 हमारे बहनों को बेटियों को शादी मुबारक दिया, इसलिए बना रहे 4520 घरा बना दिए, उसमें 800 तक मुसलमानों को भी दे रहे, हर एक मजहब वालों को दे रहे, इसीलिए बना रहे हैं हम खुशियाँ। जरूर जरूर जरूर, जब 20,000 का आबादी आते हैं मस्जिद मंदिर ईसाइयों के लिए सिखों के लिए 4 भी बनाएंगे, हाँ बना देंगे, एक के पास जरूर हो जाएगा। जब एक करोड़ 41 लाख और 10 लाख के क्या होते, छोटे छोटे शुरू करेंगे, आप भी एक हाथ डालना हम भी एक हाथ डालेंगे, ऐसा जरूर इसीलिए वापस कर रहे। आप ज़िराअत में भी है, थोड़ी लोग एक एक एकड़ को 10,000 रुपए दे रहे, आज इतना पानी आए तालाब अच्छा करे, आपके घरों में बोरियों में पानी आए, इसीलिए अपन खुशियां बना रहे, इससे पहले तालाबों में पानी नहीं रहते थे, आपके बोलियों में पानी नहीं रहते थे, इसीलिए अपन खुशियां बना रहे। शाम में गए तो करंट बिजली रहते कि नहीं रहते कि आपको नहीं मालूम, हमारे नहीं मालूम, लाइनमैन को नहीं मालूम, आज 24 घंटा एक क्वालिटी करंट आ रहा है, इसीलिए खुशियां बना रहे हैं। आप छोटे बच्चे को सरकार स्कूल में अच्छा चावल दे रहे, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे, उर्दू मीडियम पढ़ा रहे, रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छा तालीम दे रहे, इसीलिए हम खुशियां बना रहे, अपन खुशियां बना। तो आप बोलने का बात नहीं, बहुत सा काम हुआ, हम फकर से अपन फकर से बोल ले सकते हैं, इतना कामा तेलंगाना रियासत में जो कामा हुआ पूरे मुल्क में कहा भी नहीं हुआ, पूरे मुल्क में नहीं। अरे तो इसलिए आज बड़ी खुशी का दिन, यहाँ के बुनियाद डालने से वक्त में मुझे बुलाया सा, इस्तकबाल दिया सा, और यहाँ मुझे सम्मान करे सा, सबको एक सलाम।
रुकने से मिली आदिलाबाद जोगरमना ने कहा है कि बरसा मंडा एक अजीम इंसान थे जिन्होंने कबाइलियों के इत्तेहाद और हुकूक के साथ साथ मुल्क की आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद की। आदिवासी जागृति सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम जुमे को बरसा मंडा की बरसी मनाई गई। रुकने असम्बली ने शहर मुस्तकर आदिलाबाद के रेलवे स्टेशन के करीब उनके मुजस्मे पर गुलाए अकीदत पेश किया और उनकी खिदमत को याद करते हुए भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एस रंगकेशन, दुर्गम शेखर, प्रमोद कुमार, जी माधव, एम कृष्णा, प्रहलाद और दीगर मौजूद थे। वो झारखंड राष्ट्र जन्म अदिवास पैना गिरीजन पैना ब्रिटिश वालू अनेक रकल अराचक अन्या नेतृत्व में दाने वो सहित దానిపై తిరుగుబాటు కార్యక్రమం చేసినటువంటి మహావ్యక్తి బీర్సా ముండా గారు. అందుకొరకే ఆ మాయని యొక్క ఆశయాలను వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా మరి ఈరోజు ఎక్కడైతే అరాచకం, ఎక్కడైతే అన్యాయం మరి గతంలో జరిగిందో మన దేశమంతటా కూడా ఇది ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నిమ్న జాతులు వెనుకబడ్డటువంటి జాతులు వాటిపైన ఎక్కడ అరాచకం జరిగినా అన్యాయం జరిగినా ఆ ప్రభుత్వాలు వెంటనే మరి ఇప్పటికైనా మనం స్పందిస్తున్నాం। आदिलाबाद के एडिशनल कलेक्टर एन नटराज ने कहा है कि अवाम तेलंगाना आरटीसी की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने आरटीसी विलेज बस ऑफिसर के इख्तराई प्रोग्राम के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आरटीसी की खिदमात को मज़ीद काबिल रसाई बनाने विलेज बस ऑफिसर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आदिलाबाद डिपो से 15 अफराद और उटनूर डिपो से 8 अफराद को विलेज बस ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर उन्हें किट्स भी दी गई। इस प्रोग्राम में डिपो मैनेजर कल्पना, मुलाजमीन, अमला और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में आज जुमे की दोपहर कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि मियां बीवी में छोटी सी बात को लेकर हुई बहस के बाद बीवी के रिश्तेदार घर आए और शौहर का गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर डाला। इत्तला के साथ ही मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्ज़ा सलीम बेग ने वहाँ पहुँच कर हालात का जायज़ा लिया और वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। पुलिस ने लाश का पंचनामा करते हुए शवाहिद इकट्ठा किए और दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस ज़िम्मे में एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। जमाल कॉलोनी में मीना कैफे के करीब एक मकान में जो मियां बीवी किराए से रहते थे, मियां बीवी की छोटी सी बहस और तकरार में बच्ची के रिश्तेदार कोई आए और आकर घर में घुस कर बेदर्दाना उस नौजवान का, 32 साल नौजवान मोहम्मद नईम नाम है जो पेशे से फार्मेसिस्ट, और बेदर्दी से गला काटकर कत्ल कर दिया गया। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत मुसलसिल हमारे उलमा इकराम कायदीन सियासी कायदीन बिलखसूस बैरिस्टर साहब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब नकीब मिल्लत मक्का मस्जिद के जलसे से हर मुकाम पर हर जलसे में हर महफिल में हर तकरीब में कह रहे हैं कि ये इंसानियत से गिरी हुई हरकतें बंद की जाएँ, कत्ल व गारत गिरी का बाजार ख़त्म किया जाए। लेकिन अफसोस के इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंसान आज जानवर का रूप इख्तियार करता जा रहा है। आज एक मासूम नौजवान 32 साल जो काबिल नौजवान जो अपने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और उसका मासूम 1.5-2 साल बच्चा है जो आज यतीम व यसीर हो गया है। ऐसे वाक़ियात मुसलसिल होते जा रहे हैं। इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हैं ये कत्ल व गारत गिरी। बार बार कहने के बावजूद भी यानी ये नौजवान इस बात को समझने से खासिर है। अल्लाह उनको नेक तौफीक दे और मरहूम के वालदैन को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी तजहीज़ और तदफीन पोस्टमार्टम के जो भी मनाजिल तय होने हैं उसके लिए मैं आगे बढ़कर उनकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश। शमशाबाद के इलाके में पुजारी के हाथों एक खातून के कत्ल के वाक़े ने हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि अयंगर साई कृष्णा नामी एक पुजारी का मुबैना तौर पर अप्सरा नामी खातून के साथ गैर अजदवाजी ताल्लुक था। पिछले कुछ दिनों से अप्सरा उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन साई कृष्णा पहले ही शादीशुदा है और उसको 2 बच्चे भी हैं। ताहम 3 जून को साई कृष्णा ने अप्सरा से जान छुड़ाने का मंसूबा बनाते हुए अप्सरा को सरूर नगर से कार में शमशाबाद के नारखोड़ा में गौशाला दिखाने के बहाने ले गया और उस
के सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर डाला। बदहज़ा उसने अप्सरा की लाश को सरूनगर के पास एक मैनहोल में फेंक कर उसे कंक्रीट से भर दिया। इसके बाद 5 जून को पुजारी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि 3 जून को उसने अप्सरा को शमशाबाद बस स्टैंड पर छोड़ा था, जिसके बाद से वो लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज और कॉल डाटा रिकॉर्ड की जांच की और फिर शक की बुनियाद पर साई कृष्णा को हिरासत में लेकर पूछगछ की, जिस पर उसने उसे कत्ल करने का एतराफ़ किया क्योंकि वो उसे शादी करने के लिए हरासा कर रही थी। लाश की बरामदगी और तफ्तीश के बाद पुलिस ने लापता केस को कत्ल में तब्दील करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना से आज़मी ने हज की मुकद्दस सफर हज पर रवानगी का सिलसिला जारी। आज हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने 5वें, 6वें और 7वें बैच को झंडी दिखाकर किया रवाना। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शालीबंडा डिवीजन का किया पैदल दौरा। 2,57,75,000 रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। दक्कन के मारूफ सूफी आस्थाना दरगाह हजरत यूसुफियन की कमान के तामीरी कामों का संगे बुनियाद। वजीर दाखला महमूद अली बकबोर्ड, चेयरमैन मसीउल्लाह खान और दीगर ने तकरीब में की शिरकत। कोविड की वजह से 3 साल बाद मिरक के मौके पर दमा के मरीजों में मछली प्रसाद की तकसीम। वजीर तलसानी ने किया दवा तकसीम प्रोग्राम का आगाज। बत्तीनी खानदान का अदा किया शुक्रिया। यौम तासीस तेलंगाना की 10 साल तकरीबात। आज रियासत भर में बड़े पैमाने पर मनाया गया यौम बहबूद। बुजरा अरकान असेंबली और दीगर कायदीन ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को। लाइक और शेयर जरूर कीजिए।